मैथिलीन ठाकुर को देखने के लिए पहुंचे हुए थे और फाइनली हम लोग को दिख भी गई, देख सकते हो वहां पर बैठी हुई है। भाई कितना सुंदर लग रहा है, चारों तरफ झूले ही झूले दिख रहे हैं और उनको देखने के लिए ये लोग कितनी भीड़ लगी पड़ी पीछे तक, भाई बहुत भीड़ आई है। Hey guys, good morning, welcome to my new vlog. ये देखो मेरे पास क्या है, पाइनएप्पल। अभी हम इसको काट कर खाने वाले। ये कब आया हुआ था, ये भाई आया था छठ पूजा में, उस समय ये पका नहीं था और इस समय ये पक चुका है। ये देख सकते हो पूरा इसका कलर आ चुका है और मीठा मीठा इसके अंदर से महक आ रही है। भाई जो खाने में मजा आता है ना, कसम कसम बताना कौन पाइनएप्पल खाता है और किसको किसको मजा आता है। और आज है 1 दिसंबर, तो आज बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। आज हम लोगों के बलिया में राम भक्त मैथिली ठाकुर आने वाली है। उनको तो आप लोग जानते ही होंगे लोग, जिनका YouTube पे भाई 44 लाख के करीब सारे सब्सक्राइबर है। वो भजन करती है, बहुत ही प्यारा उनका भजन लगता है और आज से दत्री मेला यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, तो इसी वजह से वो आ रही है यहाँ पर प्रोग्राम में उनका 8 बजे से रात को। अभी तो बज रहे हैं 12:00। आज थोड़ा ब्लॉग भी तुम्हारा भाई लेट से स्टार्ट कर रहा है क्योंकि आज सोए हुए थे 2-3 दिन से, सुबह सुबह उठ जा रहे थे तो शरीर थक गया था, बीच में नींद पूरा नहीं हो पा रही थी, तो आज मस्जिद होकर सोए हुए थे। अभी कुछ देर हो रहा उठे हैं, मस्त नहा धोकर रेडी हो गए एंड जैसे ही हमको पता चला है कि मैथिली ठाकुर यहाँ पर बलिया में आने वाली है तो हम बहुत ही खुश हो गए। आज रात को 8 बजे से चला जाएगा ददरी मेला में और उनका हम प्रोग्राम आप सभी को दिखाएंगे। पहले तो हमको इसको खाने को मन कर रहा है क्योंकि ये जब तक मेरे आंखों के सामने आ रहा है तब तक मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कौन कौन इसे खाता है ज़रूर बताना, हम खाएँगे और साथ ही साथ इन लोगों को भी खिलाएंगे। मिठू ये खाओगे, मिठू ये खाओगे, पाइनएप्पल डर रहे सब, जब काट कर देंगे ना तब प्रेम से खाएंगे सब, अभी तो डर रहे हैं सब। मिठू पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल। इन लोग का लग रहा है कि कोई जानवर लेकर आया। मिठू लो लो लो, डर क्यों रहे मिठू लो। ओ भाई डर रहे सब पाइनएप्पल से। और आज 1 दिसंबर से 18 दिसंबर तक ददरी मेला यहाँ पर लगा रहेगा और 18 दिन बढ़िया बढ़िया क्रिएटर यहाँ पर आने वाले लोग, भोजपुरी इंडस्ट्री के कई हीरो यहाँ पर आने वाले लोग, सब हम आपको दिखाएंगे जा जाकर। वैसे मेरे घर से थोड़ा मेला दूर पड़ता है लेकिन आप सभी के लिए इतना तो तुम्हारा भाई कर ही सकता है, जा जाकर उन क्रिएटरों को उन हीरो को आप सभी को दिखा सकता है। सुने हैं कि भोजपुरी के क्रिएटर के सारी लाल, फिर एक और वो भी बहुत पॉपुलर है यार, दिमाग पे नहीं चल रहा अभी। तो हमको आज का पता है, आज आ रही है मैथिली ठाकुर बलिया में, भाई इनका आज प्रोग्राम देखने चला जाएगा और इनका भजन आज सुना जाएगा। अभी तो फटाफट चलते इसे काटते और खाते हैं। तो अभी फिलहाल देख सकते हो कितना मस्त लाजवाब टेस्टी यहाँ पर पाइनएप्पल काट लिया है। इसे यहाँ पर जानते हो क्या कहा जाता है, इसे यहाँ पर कहा जाता है माटी कटहर, माटी कटहर के नाम से ये बहुत फेमस है यहाँ पर। बाकी सब इंग्लिश में ना पाइनएप्पल कहते हैं, इसको हिंदी में माटी कटहर कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही मीठा हो रहा है, पहले ही रुका नहीं गया, एक दो खा लिया है और इतना सारा लेकर आया ऊपर। ऊपर का मौसम आज बहुत ही प्यारा हुआ है, कल का बारिश हो गया तो पूरा वेदर भाई ठंडा हो चुका है, ठंडा के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत भी हो चुका है। कल तो बहुत हवा चल रही थी, आज उतनी हवा नहीं चली, आज मस्त मौसम है। ऊपर देख सकते हो बादल कितना प्यारा निकला हुआ, ऐसे ही बादल पूरे दिन है तो मज़ा आ जाएगा। अभी तो एक प्लेट में पाइनएप्पल काट लिए हैं और इतना सारा लेकर आए ऊपर, तो अभी फटाफट इसे खा लेते और कुछ देर के बाद मिलते हैं आपसे। मस्त पाइनएप्पल खा लिए थे और आए हुए थे बाहर, और बाहर आकर देखे तो ये देखो ये सो रहा है। भाई उठ जा, कुछ काम कर ले, पूरे दिन सोता रहता है। ये भी हमको देखकर भाई चुपचाप खड़ा हो जाता है, वरना अभी लेटा हुआ था ये भी, मस्त सो रहे सब दोनों भाई, एक यहाँ पर एक वहाँ पर, दोनों पास में सो। इसकी खुजली हो रही शरीर में, खुजलाल है भाई तेरी शरीर में खुजली हो चुकी है। इसके पास अगर हम भी रहे तो मेरी भी खुजली होने लगेगी। तो भाई अभी फिलहाल हम लोग निकल गए थे लोग मेला के लिए, और आप लोग सोच रहे हो कि एक ही बार सुबह से रात कैसे कर दे रहा है, तो यही तो मेरे में खासियत है, सुबह को रात बना देते हैं और रात को सुबह बना देते हैं, यही तो मेरे में भाई खासियत है, इसीलिए तो विराज ब्लॉग नाम रखे हैं। क्या करें, बीच में इतना काम है, काम की वजह से ब्लॉग नहीं कर पा रहे हैं,
उसी में कोचिंग जाना, सब देखना है यार। आजकल तो इतनी काम बढ़ गई है ना, इतनी काम, और ठंडी की वजह से कब टाइम भी तेरी कुछ नहीं पता चल रहा है। अभी पीयूष को लिए हैं एंड निकले हैं मेला के लिए, और बाकी सब भाई पीछे से आ रहे लो, एंड कुछ भाई आगे पहुंच गए लो, और हम लोग को निकलने में थोड़ा लेट हो गया है। निकलने वाले थे लोग 7 बजे, बट अभी कितना टाइम हो रहा है, 8:30, इसीलिए फटाफट चल रहे यार। बस मैथिलीन जी से हम लोग की मुलाकात हो जाए, उन्हीं के लिए हम लोग मेला जा रहे लोग। अगर वो नहीं आती ना तो हम आज जाते भी नहीं, केवल मैथिली ठाकुर की वजह से जा रहे हैं, और वो राम भक्त है, उनके लिए तो भाई कहीं पर पहुंच जाया जाएगा। बलिया में आई है तो देख ही रहे हो, आज निकल पड़े हैं लोग रेडी होकर उनको देखने के लिए, और कभी देखे भी नहीं है। अगर दिख जाएंगी तो हम ही लोग का भाग सही रहेगा, अगर भाग अच्छा नहीं होगा तो नहीं दिखेंगी, और वहाँ पर बहुत भीड़ भी होगा अगर होंगी तो चलते फटाफट। अभी मस्त मेले के अंदर एंट्री कर लिए लोग, देख सकते हो एक झूला आगे की तरफ है, बट पता नहीं क्यों बंद है, और अब ऐसा लग रहा है कि मेला स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हो हर जगह दुकान देखने को मिल रहा है, पहले से बहुत चौड़ा हो गया, चौड़ा भी हो गया है, और उस वक्त आए थे लोग ना तो इतना दुकान नहीं लगा था, अभी लगना स्टार्ट हो रहा था, एंड अभी के वक्त देख सकते हो सारा दुकान लग चुका है। अभी हम लोग जा रहे हैं लोग इस रास्ते से, आया जाएगा इस रास्ते से। यहाँ पर देखो कितने मस्त मस्त कप बेच रहे हैं भाई, इतने मस्त मस्त बेचते हैं लोग ना, तो देख कर मन करता है कि सारा ले ले। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना नींदियाँ गिराते, भाई फिलहाल पहुंच गए मेले के मेन झूले के पास, आपको झूला दिखाया आगा। ये देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है, चारों तरफ झूले ही झूले दिख रहे हैं भाई, लाइट इतना प्यारा किया गया है ना, तो मस्त देखने में लग रहा है। यही तो देखना था, आ गए मेले में, इतना प्यारा प्यारा झूला देखकर पूरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। और तू ही मेरे दिल की रसा है, तेरे बिना दिल अभी भाई मेला छोड़कर जा रहे लोग इस काम के लिए, हम लोग आए लोग वहाँ के साइड। अभी यहाँ पर तो कई झूले लग रहे हैं, ये देखो ये चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है। ये रहा पूरा मेला, अभी कई झूले नहीं चल रहे हैं, लेकिन अभी हल्के फुल्के झूले चल भी रहे हैं। अभी भाई फिलहाल हम लोग पहुँच गए लोग जहाँ पर वो आई हुई है, ये देखो वो जगह है, यही पर तो उनका सुनाई दे रहा है गीत। इतना फटाफट चल कर आ रहे हैं ना भाई, थक चुके हैं बहुत ज्यादा, फाइनली पहुँच ही गए पास में। सारे लोग क्यों बाहर खड़े होकर देख रहे हैं लोग, कई लोग अंदर भी है लोग, हम लोग भी ट्राई किया जाएगा अंदर जाने का। फाइनली भाई जा रहे हैं लोग अंदर की साइड, ये एलईडी में देख सकते हो उनकी भजन चल रही है भाई। प्रशासन लोग आगे जाने ही नहीं दे रहे लोग, यहीं पर रोक दिए लोग। अब यहाँ से आपको तो दिख नहीं रही होंगी, लेकिन यहाँ पर लगा एलईडी टीवी, तो यहाँ से आपको दिख रही होंगी भाई। अभी देखने में तो जो उनके साथ में एक और रहती है ना वो लग रही है, देख लो ध्यान से, वैसे आपको भी नहीं दिख रही होंगी क्योंकि अभी बहुत ही दूर है हम लोगों से। आगे जाने का मौका मिलता ना तो जरूर हमारा भाई जा कर दिखाता, क्या कर सकते हैं, इतना जरूर पड़ा है। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं तो कब मैच जीत जाएंगे, क्या जाने वो आ गई अपना परफॉर्मेंस कर कर चली गई होंगी, के पास आ गए देख सकते हो अभी वो नहीं लग रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं लोग बाहर की साइड, बाहर की साइड से हम लोग भी देखा जाएगा, कई लोग देख रहा है वहीं से देखा जाएगा। अभी भाई आगे थे सबसे आगे की साइड, यहाँ से देख सकते हो बढ़िया तरीका से दिख पा रही है, वरना हम लोग बैठे तो लोग वहाँ की साइड। सो गाइस और आगे की साइड अभी मैथिली का मंच लग रहा है, वो आएंगे तो आपको इस फोन से बढ़िया तरीका से दिखाएंगे। बाकी बहुत लोग आए लोग फोन से रिकॉर्ड करेंगे ना तो बढ़िया आएगा, बढ़िया क्वालिटी आएगा, बढ़िया तरीके से दिखेंगे, फिर आपको हम मस्त तरीके से दिखाएंगे। अभी बॉयज कुछ ही क्षणों में मैथिलीन जी यहाँ पर आने वाली है, एंड तुम्हारा भाई अभी यहाँ पर खड़ा होकर उनका वेट कर रहा है, देख रहे हो आप सभी के लिए, और यहाँ से देख रहे हो कितनी भीड़ दिख रही है। सो भाई अभी फिलहाल पहुँच गए अंदर की साइड, पीछे से वो एंट्री दे दिए लो, और हम लोग के बीच रही मैथिलीन जी, देख सकते हो जस्ट हम लोग के आगे ही। मैथिलीन ठाकुर को देखने के लिए पहुंचे हुए थे और फाइनली हम लोग को दिख भी गई, देख सकते हो वहाँ पर बैठी हुई हैं। अभी 10 बज रहे हैं, 10 बजे करीब वो आई हैं, और उनको देखने के लिए ये देखो कितनी भीड़ लगी पड़ी पीछे तक, भाई बहुत भीड़ आई है, बहुत भीड़।
पे उनका भजन स्टार्ट होगा, फिर हम लोग सुना जाएगा। जय तो भाई अभी देख सकते हो यही पास है, जो हम लोग का पास नहीं है दूसरे से लेकर आपको दिखा रहे हैं, जिनके पास है भाई वो यहाँ पर बैठे हैं लोग देखने के लिए अंदर। भाई कुछ भी हम लोग कर सकते हो लोग, आगे हम लोग की रही मैच। भाई रात के वक्त देख सकते हो मेला कुछ ऐसा लग रहा है जब सारा झूला बंद हो चुका है। तो अब फिलहाल निकलते लो फटाफट घर गाइस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ रही है और थक भी चुका है तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा, अभी तक तो कुछ खाया भी नहीं है। घर पे जाएंगे तो पहले कुछ खाएंगे। इस ब्लॉग को यही पे एंड कर देते हैं, उम्मीद करते हैं कि ब्लॉग पसंद है ब्लॉग तो लाइक करेगा, अगर चैनल पर नया चैनल जरूर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अब तेरे बिना